नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं, विच यूज मोर एनर्जी, है ना। हमारे पास में दो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गिवन है। पहला हमारे पास गिवन है टीवी सेट, पहला गिवन है टीवी सेट, ओके, जिसका पावर हमको गिवन है 250 वाट। 250 वाट का टीवी सेट हमारे पास में, और टाइम गिवन है 1 आवर, ओके। तो अगर हम यहाँ पर P1 की बात करेंगे तो एनर्जी E1 की बात करेंगे तो वो होगा P1 × T1। P1 का वैल्यू है 250 और टाइम है 1, ओके। तो इसे हम लिखेंगे 250 वाट आवर, ओके। वाट आवर में कंपेयर कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी उसने पूछा है कि कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो वाट आवर में कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेकंड है टोस्टर, है ना। अगर हम टोस्टर की बात करें तो पावर P2 यहाँ पर गिवन है 1200 वाट, और टाइम T2 यहाँ पर गिवन है 10 मिनट। इस मिनट को हमको आर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सो 10/60 आर, है ना। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 60 मिनट मतलब 1 आर होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम E2 एनर्जी निकालते हैं तो वो होगा P2 × T2, मतलब कि 1200 × 10/60, ओके। तो ये एक जीरो तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से यहाँ पर 20 टाइम कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 200 वाट आवर। तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि किसका वाट आवर ज़्यादा है। टीवी सेट का वाट आवर ज़्यादा है, इतने 1 घंटे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, 1 आवर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये केवल 10 मिनट के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन राइट द आंसर, टीवी सेट यूज्ड मोर पावर, मोर एनर्जी, ओके, दैट इज द आंसर।